और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनावों को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट मिल रही है। राजस्थान कांग्रेस विधायकों की भी बाड़ेबंदी हो सकती है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होटल शिवलास में ले जाने की खबरें सामने आ रही है। सीएमआर से बसों के द्वारा सभी विधायकों को ले जाया जाएगा होटल शिवलास। और राज्यसभा चुनावों को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता दिनेश कसाना फिलहाल फोन लाइन पर मौजूद है। दिनेश, राजस्थान के जो किसी विधायक हैं उनकी भी बाड़ेबंदी की यहाँ पर चिंता सताने लगी है। इसी क्रम में अब खबरें आ रही है कि उन्हें होटल शिवलास में शिफ्ट किया जाएगा, क्या पूरी अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जयंती, राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट है कि राजस्थान में कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी भी बाड़ेबंदी हो रही है। सभी विधायकों को होटल शिवलास में शिफ्ट किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी राज्यसभा चुनाव को लेकर। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, तो उसके लेकर आज सभी विधायकों को बुलाया गया था। अभी सीएमआर से सभी विधायकों को बस के द्वारा होटल शिवलास ले जाया जा रहा है। वहां पर विधायक दल की बैठक होगी और इसके बाद माना जा रहा है कि वहीं पर इन विधायकों को 19 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं, तो उससे 19 जून तक सभी विधायकों को एक साथ रखा जाएगा। जिस तरह देखिए, राज्यसभा की 3 सीटों पर राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जिस रणनीति के तहत बीजेपी ने 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं, तो उसको लेकर बीजेपी लगातार रणनीति भी बना रही है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक बनाई और आगामी जो रणनीति है उस पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई थी जी। लेकिन अब इस बैठक को पहले सीएमआर में रखा गया था, अचानक स्थान चेंज किया गया है, होटल शिवलास में यह बैठक होगी। और उसके बाद यही माना जा रहा है कि इन सभी विधायकों को 19 जून तक होटल शिवलास में रखा जाएगा, ताकि एकजुट रहे। किसी तरह की खरीद फरोख्त की खबरें सामने आ रही थी कि बीजेपी है जो सभी है, कांग्रेस के कुछ विधायक हैं या निर्दलीय कुछ विधायक हैं उनको जो असंतुष्ट है उनको लगातार बीजेपी की ओर से फोन किए जा रहे हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही थी। खरीद फरोख्त ना हो इसके लिए सभी विधायकों को एक वहां पर रखा जाएगा, ताकि किसी तरह की क्रॉस वोटिंग का खतरा ना हो। दिनेश, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस के विधायकों को तो यहाँ पर बचाने की खरीद फरोख्त से पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन जो निर्दलीय विधायक हैं उनको साधने के यहाँ पर प्रशासन के द्वारा क्या प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जयती, सब 13 निर्दलीय विधायक है राजस्थान में, तो जी वो सभी कांग्रेस माइंड है। एक निर्दलीय विधायक जो ओम प्रकाश हुडला बीजेपी के थे, लेकिन उन्होंने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति आस्था जताई है। वो कह चुके हैं कि मैं सरकार के साथ हूँ, सरकार के साथ वो हैं। और ऐसे में सभी विधायकों को अभी वहां होटल शिवलास ले जाया जा रहा है। तो आज विधायक दल की बैठक में इन सभी विधायकों को बुलाया गया था और उनकी मर्जी से ही उनको वहां पर रखा जाएगा, किसी तरह के प्रतिबंध ये ऐसा नहीं रहेगा। तो ऐसे में सभी विधायक हैं वो अपनी मर्जी से वहां पर रहेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये व्यवस्था की गई है। आज विधायक दल की बैठक होगी और बैठक के बाद ये पूरे अपडेट क्या रहेगा, सभी विधायकों को वहां पर रखा जाएगा या बैठक के बाद सभी विधायकों को वापस भेज दिया जाएगा, जो अपनी मर्जी से रहेंगे वहां पर उनको वहां पर रखा जाएगा किसी तरह का, हालांकि प्रतिबंध की अभी तक कोई खबर नहीं है। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया दिनेश।